तो भाई आज अब पांचवा दिन अपने ट्रिप का और हम रुके हुए थे ओली में। ये कुछ रूम है, पीछे वो वॉशरूम है और सब रेडी है। और जो हमारे रूम से व्यू है रूम के बाहर से ओली। हाँ 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 बता मुंह किस तरह इतने जब भी तेरा गंदा लग रहा है। ये दिखा रहे, ये देख लो भाई सच बात है। तो पूरे सारे पार्ट ढके पड़े भाई बर्फ ते। ओली में रुके हुए थे हम और अब बस यहाँ पे लोकल साइट विजिट करेंगे, दो तीन चीज होगी उसके बाद सीधा घर लगेगी गाड़ी अपनी कंटिन्यू। देखते हैं भाई ओली में क्या क्या है दिखाने लायक या देखने लायक, आपको भी दिखाएंगे खुद भी देखेंगे। चलो भाई हर हर महादेव करते इस पांचवे दिन की स्टार्टिंग। तो भाई ओली टॉप पे आ गए, गाड़ी अपनी पार्क लगा दी और अब इस चीने से चलते ऊपर, देखते क्या क्या साइट व्यू मिलता है। कभी जीने कभी ट्रैकिंग कभी कुछ थमी ना रहे भाई। आ रहे सारे केबल कार, क्या है वो चैनल केबल जो भी है, चल के दिखाएंगे आपको। ये है भाई एयरलिफ्ट, चेयर लिफ्ट कहते हैं इसे, हैं नॉट एयर लिफ्ट, चेयर लिफ्ट। सही जुगाड़ है यार, बैठो कुर्सी पे। ओ भाई साहब, तो भाई जो चेयर लिफ्ट थी इसकी पर पर्सन 500 रुपये केवल 1 किलोमीटर के लिए। जहाँ हम 100 किलोमीटर चल के आ चुके हैं वहाँ 1 किलोमीटर और नहीं चलेंगे, कैसी बात है यार। और तो भाई हमने ये कैंसिल कर दी और अपने 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करते हैं बस, वहाँ जाते ऊपर हर हर महादेव। चल भाई देखते ऊपर से क्या नज़ारा है। वैसे नज़ारा यही है, खुला ग्राउंड हर ओर बर्फ ही बर्फ बस। किसी भाई को माउंटेनियरिंग एंड स्कीइंग इंस्टीट्यूट का मतलब माउंटेनियरिंग करनी हो तो ये इंस्टीट्यूट है भाई ओली में, आओ आके कर लेना 1 साल की, काम ही काम होगा फिर। नल्ले नहीं घूमोगे हमारी तरह जैसे घूमा ये दो रहे। तो भाई ओली आके आप इस खूबसूरत राइड का मजा ले सकते हो, अपनी ट्रैकिंग कर सकते हो जैसे हम कर रहे हैं 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग पार्किंग से, 400-500 सीढ़ियाँ और ये कुछ ये ऐसा ट्रैक 1 किलोमीटर तक का ऊपर। साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं हम बस, 5 दिन से चल ही रहे हैं केवल। जितनी ट्रैक हमने कर दी 5 दिन में 100 किलोमीटर से ऊपर भाई, जितनी सांस हमारी वहाँ नहीं फूली और कहीं ट्रैक पे इतनी यहाँ फूल रही है, पता नहीं क्यों नहीं। ओली में यहाँ या तो आस्था नहीं है महादेव की श्री बद्री विशाल की, इसलिए ऐसा हो रहा है हमारे साथ या कोई और बात है। हर हर महादेव। और इतनी टॉप पे आ गए भाई हम, सब कुछ दिख रहा है ऐसे ही। थोड़ा सा और चढ़ के फिर नीचे उतर जाऊंगा, देख के ऊपर से कुछ नज़ारा दिख रहा है या नहीं। चलो थोड़ी सी और ट्रेन आगे, नज़ारा देखो यहाँ से। ओहो भाई साहब क्या व्यू आ रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको, आप खुद अपनी आंखों से देखोगे तो और सुंदर लगेगा। अभी तो कैमरे से जितना दिखा पा रहा हूँ उतना देख लो पूरा। सारी बात ये दिख रही है, थोड़ा सा टॉप हो रहा है वो, पर क्या करेंगे वहाँ जाके देखते हैं। चलो भाई साहब, तो भाई जितना टॉप पे आना तो आ गए, इससे ऊपर जाने की हिम्मत नहीं अब। वैसे तो 4 किलोमीटर की और ट्रैकिंग है ओली में यहाँ, पर मैं इससे ऊपर ही जाऊँगा। जो और 4 भाई मेरे साथ थे वो तो वहीं नीचे ही दम तोड़ चुके हैं, नीचे ही बैठे हैं। मैं आ गया ऊपर तक, मैंने कि दिखाता हूँ भाइयों को नज़ारा पूरा। वो तो वहीं नीचे ही रह गए जहाँ से हमने चढ़ाई शुरू की थी। और ये है कुछ नज़ारा, वहाँ एंड होती है वो चेयर लिफ्ट जो है ना, वो यहाँ एंड होती है जिसके 500 पर हेड देने थे हमें। इससे बढ़िया हमने अपनी सांस बढ़ा ली और क्या कहते हैं अपनी ज़िंदगी के थोड़े से दिन सेव कर लिए पैदल चल के।
चलो भाई यही दिखाना था आपको ओली में क्या है, है? और वो रोपवे भी चलती है शायद, वो नीचे से चलती है बिल्कुल उसका, आपको बिल्कुल रोड है ना जो मेन रोड है नीचे वहाँ से चलती है रोपवे। ग्रीनरी क्या कहने भाई, उत्तराखंड हिमाचल कश्मीर में ग्रीनरी ग्रीनरी है, ग्रीनरी अपनी तमिल साइड केरला साइड की, वहाँ पर हम अभी गए नहीं एक्सप्लोर करने, वहाँ भी जाएंगे। चलो भाई अब नीचे उतरते हैं, घर के लिए भी निकलना है भाई, बहुत एक्सप्लोर कर लिया, बहुत कर दिया नीचे उतरना शुरू, और नीचे उतरते हुए सावधानी से उतरना पड़ता है भाई, बिल्कुल एकदम से खड़ी नीचे उतरना है, बिल्कुल खड़ी उतरवाना है जो भी कहते हैं उसे, तो देख देख के उतर रहे हैं बिल्कुल, चल के नीचे गाड़ी में बैठ के करते आपसे बात, अब लेते ओली से विदाई, हो सीधा घर के लिए, रास्ते में कुछ मिला दिखाने को तो दिखाऊंगा आप लोगों को, जय बाबा। तो भाई घोड़े वाले से पूछा भी रेट, 800 रुपये पर पर्सन 4 किलोमीटर ग्लेशियर तक की चढ़ाई के लिए, मतलब जहाँ पूरी स्नोफॉल वगैरह, तो हमने तो बर्फ़ इतनी देख ली, हमें तो ज़रूरत क्या, तो आप लोगों को बता देता हूँ कभी ओली आओ तो 800-1000 रुपये में आप ऊपर तक ट्रैक कर सकते हो घोड़े पे। अरे भाई जीने पे बस पहुँच लिए गाड़ी में, बैठ के निकलते सीधे घर की तरफ, और बीच में कुछ देखने को मिला तो दिखाएंगे। गाइस यहां पर लाइट जा चुकी है, इसमें से कौन सी चेयर ही इलेक्ट्रिक चेयर थी ये बंद हो गई। अरे यार भगवान के करूँ ये ना, ते अंग्रेजन की इंग्लिश की जो कह रहा है ना सब कुछ मोड़ गया भाई। तेरे घर के कह रहा कि डेली फुक रहे हम, फुक फुक के देख कैसे हो गया, या तो फुक गया नौवीं क्लास में मिलो माँ कसम देख बहन आज जाके दांत देखो भाई, जाके दांत मेरे तो बचपन था भाई, कुदरती है सो लवली माय टीथ। अरे तो भाई ओली से निकले हुए हमें हो गया था लगभग 1 घंटा, और हम आ गए पीपल कोटी, ये कुछ शहर है पीपल कोटी, ज़रूरत की हर चीज़ें मिल जाती है शहर में भी, और भाई हमारे लेने गए अंगूर वंगूर मतलब कुछ फ्रूट्स खाने के लिए, तो उनको ले उनका वेट करते हैं। ओह अभी तो बहुत रह रहा है भाई, कम से कम 500 किलोमीटर रह रहा है गुड़गांव यहाँ से, और जो हम इस सफ़र में करके आए ना 100 किलोमीटर प्लस तो हमने ट्रैकिंग कर दी भाई, बहुत मेहनती वाली वो है ये ट्रिप हमारी। अंदर हो खेल आयो बस अच्छा ना हो सारा खराब था। अच्छा तो हमें कैसे पता चली फ्रूट्स खराब है, हम गए लेने बोलो ना फिर गए तुम खराब लेने में जाऊंगा। हां बोलो कहने का दिखे ना हमारा आखना के ना। अच्छा तो ज्यादा बेरो है तो ड्राइविंग भी ज्यादा बेरो है तो खाने की भी ज्यादा बेरो है तो है ना। और के है भैया ज्यादा बेरो भी सुनिए, और बस यू चला वो अब बाकी ट्रेनिंग लेगा क्या बोला है हेलीकॉप्टर और बाकी है। हां गाड़ी तो भाई है ना बहुत चला ली, अब हम ये तो कह रहे तू जहाज और हेलीकॉप्टर बाकी तो बात कर ली मैंने पूरी साइड में लगा पीसीएम करके, ओए बाकी बात कर ली मैंने कहीं वैसे पर लगाएंगे ना डोमिनोज या वेप है वो और वो खा लेंगे। हां डोमिनोज भी यार पिज्जा ही खा लो अंगूर ले ले एक बड़े थोड़े से भूख लग रही है इनको नहीं भर रहा भाई लिखने ना चल ले आजा अपनी गाड़ी की होने जा रही है तीसरी टंकी फुल इस ट्रिप की केदारनाथ बद्रीनाथ की, और टीजर दिखाता हूँ कितना आता है तीसरी बारी में भरत देव रहा है। गाड़ी में जो तेल आया वो आया 51 लीटर, हाँ 4700। हम आ गए हुए रुद्रप्रयाग, जहाँ उस तरफ से मंदाकिनी और इस तरफ से अलकनंदा रिवर का संगम हो रहा है, ये पूरा व्यू रुद्रप्रयाग में हर हर महादेव। ये अपनी गाड़ी गड़ी भाई हम हैं अभी श्रीनगर में, और ये प्यारा नज़ारा है ये देखो भाई, ओहो ये पानी में भाई कितने प्यासे अपनी प्यास बुझा सके, जो भाई हर जगह पूरे इंडिया में वो आवे सूखा जो पानी सबको भर सके सबको, बस ये को जाने को साधन होना चाहिए कि कहाँ तक कैसे जाई जा अलग डैम हाँ डैम की वजह से ही तो रुको हुआ
गया अपनी गाड़ी, गाड़ी बढ़िया। चल भाई यही देखने के लिए रुके थे, चलते अब आगे। श्रीनगर शहर रह गया 10 किलोमीटर, उसके बाद हैं उसके बाद सीधा रोकेंगे देवप्रयाग में, वहाँ संगम दिखाएंगे आपको भागीरथी और अलकनंदा का। संगम घाट देवप्रयाग दिखाते हैं भाई आपको संगम, कौन कौन से संगम है, अलकनंदा और भागीरथी दो रिवरों का संगम। जो किया है वो तो क्यों लिया, लिया एक तो लिया, 2 लीटर के लिया या उसके लिया, पर लेंगे जा। चलो भाइयों आपको दिखाते हैं संगम, बिल्कुल नीचे आ गए भाई, अब कम से कम 1000 सीढ़ियाँ उतर गए, आ जा। तो भाई पहुंच गए, ओहो क्या उफान से आ रही है भाई ये रिवर, ओ भाई साहब ये अलकनंदा, तो ये लेफ्ट वाली भागीरथी, ये राइट वाली भागीरथी। पैसा तो गांडी में रहेगी, ये तो ना है देवप्रयाग, गंगा बढ़ जाए यहाँ से, गंगा स्टार्ट हो गई, ये अलकनंदा हो गई, ये भागीरथी हो गई, दोनों मिल गई, दोनों का मिलन होके गंगा जी बन गई। ये आ रही है कहाँ से, ना भागीरथी है भाई, ये भागीरथी है, ये अलकनंदा है, ये आ रही है वहाँ से, क्या कहते हैं बद्रीनाथ से, और ये आ रही है गंगोत्री से, फिर जाके गंगा जी बनती है, फिर आगे तक पूरी गंगा जी, यमुनोत्री से निकला है माँ यमुना। बिल्कुल नीचे ही आ गए, हाथ मुँह धोएंगे। बिल्कुल पास आ गए हम, भागीरथी तो बहुत तेज भाव में आ रही है, बहरी है जो गौमुख से आ रही है, इसकी स्पीड थोड़ी कम है अलकनंदा की। हाथ मुँह भी धो लो, नहा भी लो और गंगा जल भी भर लो, दोनों चीज कर लो यहाँ। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। मेन बात यही है भाई, भागीरथी उफान से बहरी है और अलकनंदा बिल्कुल इजी गेम है, और बीच में बन गई गंगा जी, जय माँ गंगे। हाँ बोलो, नहा ले जल्दी नहा ले, बोलिए भाई हाथ में, माँ गंगा में भागीरथी और अलकनंदा के संगम में। घर तो भर लिया पानी भाई, घर के लिए गंगा जी सबसे मेन चीज। हाँ जय गंगे मैया, जय अलकनंदा मैया, जय भागीरथी मैया। ओ भाई गैती नदी में इतनी मछलियाँ, समझ नहीं आया कुछ, देखो संगम में भाई, संगम का मजा तो ये मछलियाँ ही ले रही है भाई, ऑरेंज। ओहो ओहो जय गंगे मैया की, जय गंगे मैया की, मछलियाँ पहली बार देख के भाई मैंने ऐसे तो गंगा जी में। यहाँ से ये भागीरथी आ रही है ना, यहाँ पे ये मछलियाँ ही मछलियाँ हैं। देख लिया संगम हमने और गंगा जल भी ले लिया, पांच भाई है, पांचों ने ले लिया,
और अब चलते हैं अपनी गाड़ी के पास, कम से कम 500-600 सीढ़ियाँ चढ़ के। जय माँ गंगे, जय माँ भागीरथी, जय माँ लगरंदा। देख के सांस चढ़ रही, ना चढ़ेंगे कैसे। जब तक ऊपर चढ़ूंगा तब गंगा जल खत्म होता है। आगे वापस गाड़ी में, कम से कम 600-700 सीढ़ी चढ़ गए। अब चलते हैं सीधा ऋषिकेश, रुकेंगे कुछ खाने पीने के लिए। ओहो बादल का क्या व्यू आ रहा है भाई साहब, जैसे कि पहाड़ों के ऊपर पहाड़। चलो भाई चलते हैं, ड्राइवर हमारा करेगा गाड़ी स्टार्ट। तो भाई शाम के बज रहे 7:40 और हम पहुंच गए थे ऋषिकेश, और यहाँ पे करेंगे हम कुछ खाना पीना। देखते हैं, या तो बर्गर किंग में या फिर डोमिनोज में, जो भी देखते हैं क्या। बर्गर ही खाएंगे शायद, तो देखते हैं जो भी ये खाते हैं। और चार भाई के साथ, उसके साथ देखते हैं क्या क्या लेना है। चलो भाई बर्गर किंग तक चलते एक बार। चल चल जो थारा मन कर रहा है वो खा लो। आधे पिज्जा ले रहे हैं, आधे बर्गर, आधे पिज्जा आधे बर्गर के रह गए। तो भाई 8:30 हो गया टाइम, अब निकलते हैं हम अपने घर के लिए। ऋषिकेश में कर लिया हमने डिनर। चल चल ये खड़ी अपनी गाड़ी, गुड़गांव 1001 इंदौर। ऋषिकेश राम झूला लक्ष्मण झूला, प्यारा व्यू आ रहा था, अभी भी आ रहा है। ऋषिकेश भी एक दिन में देख नहीं सकते दुनिया। तो भाई पहुंच गए हरिद्वार, भोले बाबा से लेते विदाई, हरी के द्वार से अब निकलते हैं बाहर की तरफ, फिर आएंगे जब बाबा बुलाएंगे। ये कुछ भाई चमक रहा पूरा हरिद्वार रात को भी, एक नंबर का भी। जय भोले बाबा, अगली बार चलते हैं। तो भाई पहुंच गए हरिद्वार, टाइम हो रहा है 9:36, ये लगा लो 11:30 या 12 बजे तक घर अपने। 3 घंटे 3.5 घंटे ना ना 2 घंटे लगा ला। 10:30, 11:30, 12:30 घर पहुँचे, और रास्ते में कुछ रात हो दिखाएंगे, नहीं तो सीधा घर। हम एंटर कर गए फाइनली अपने घर गुड़गांव में, और अपनी गाड़ी जो चल गई है वो चल गई है 2746, मतलब टोटल जब हम चले थे तब थी 1400 और अब है 2746, मतलब 1346 किलोमीटर गाड़ी हम चला के अपनी श्री केदारनाथ धाम से, बद्रीनाथ धाम से, तुंगनाथ महादेव, और कहाँ गए थे हम, ओली। यहाँ हमने टोटल गाड़ी जो चलाई थी वो 1346 हर हर महादेव के आशीर्वाद से। पूरी ट्रिप भाई बहुत अच्छे से गई, मतलब मज़ेदार रही पूरी, और बाबा का आशीर्वाद भी मिल गया, श्री बद्री विशाल का भी आशीर्वाद मिल गया, सतोपंत की आधी यात्रा भी कर ली 5 किलोमीटर की। इस ट्रिप पे हमने सब कुछ कर लिया भाई आपको दिखाने के लिए, देखना ज़रूर सारे एपिसोड्स मैं अभी डाल दूंगा, और आप सारे के सारे देखना, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हम बस अपने DLF फेज 3 में एंटर कर गए हैं। तो भाई इस व्लॉग को हम करते हैं अब यहीं पर समाप्त, और नेक्स्ट जो भी जहाँ भी हम जाएंगे आपको ज़रूर बताएंगे और दिखाएंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।